नमस्ते, मैं एजे जिगीशा। कहानी मेट्रो में आपका स्वागत है। एक बार एक आदमी कहीं सफर कर रहा था। थका मांदा वो किसी गांव के पास से गुजर रहा था। उसने सोचा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ तो यहीं विश्राम कर लेता हूँ। पास में ही एक घना वृक्ष था। उसने उस घने वृक्ष की छाया में ही विश्राम करने के लिए सोचा। उसे पता नहीं था कि ये वृक्ष कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर यदि कोई इच्छा की जाए तो वो तक्षण पूरी हो जाती है। इधर सोचा नहीं, उधर इच्छा पूरी हो गई। वह वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा यदि कहीं से भोजन मिल जाता तो मजा आ जाता। तुरंत से भोजन हाजिर हो गया। उसने भोजन का थाल देखा और खाने लगा। उसने जरा सा भी नहीं सोचा कि ये भोजन आया कहाँ से है। पूरा भोजन खाकर वो संतुष्ट हो गया। उसे लगा अब कुछ थोड़ा सा पीने को भी मिल जाता तो अच्छा होता। तुरंत से ही शरबत आ गया। वो खा पी के तृप्त हो गया। अब उसे नींद आ रही थी, स्वाभाविक था। खाना खा लिया, पेट भर गया, वृक्ष की घनी छाया थी तो नींद तो आनी ही थी। उसने सोचा ये जमीन ऊबड़ खाबड़ है, काश यहाँ अच्छा सा बिस्तर होता। और तुरंत से बिस्तर प्रकट हो गया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और वो सो गया। शाम को जब उठा उसने सोचा ये हो क्या रहा है आखिर, कोई भूत तो नहीं है यहाँ पे। जैसे ही उसने भूतों के बारे में सोचा भूत प्रकट हो गया। वो बहुत डर गया, कहीं ये भूत मुझे खा तो नहीं जाएंगे। जैसे ही उसने ये सोचा भूत उस पर झपटे और उसे खा गए। ये कहानी तुम्हारे पूरे जीवन की कहानी है। तुम्हारा मन ही वो कल्प वृक्ष है। जो भी तुम सोचते हो देर या सवेर वो पूरा हो ही जाता है। कई बार उसके पूरा होने में अंतराल इतना बड़ा हो जाता है कि तुम समझ ही नहीं पाते कि ये तुम ही ने सोचा था। लेकिन अगर सजगता से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये तुम्हारे विचार ही तुम्हारा और तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। दुख बाहर नहीं है, हमारी दृष्टि में है। जैसे ही हम संसार को देखेंगे संसार वैसे ही नजर आने लगेगा।